हेलो एवरीवन। सो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं हफ्ते की 6 वीडियोस अपलोड करूंगा, जिसमें से दो रहेगी बुक रिव्यूज पे, जो कि मंडे एंड थर्सडे को आएगी। एंड रिमेनिंग 4 डेज जो है उसमें हम करेंगे चैप्टर वाइज डिटेल्ड चैप्टर वाइज समरीज। सो आज फ्राइडे है। मैं चाहता था कि मैं जो पहली वीडियो डालूँ आफ्टर इंट्रोडक्शन, मैं वो बुक रिव्यू डालूँ, बट जैसा कि रूल बन गया है मंडे एंड थर्सडे बुक रिव्यू। सो फ्राइडे स्टार्ट करते हैं बुक समरी से ही, चैप्टर वाइज बुक समरी। सो आई चूज दिस बुक द हैप्पीनेस एडवांटेज, जिसको लिखा है शॉन एंकर ने। अब इसका जो रिव्यू है वो हम करेंगे मंडे को ही, मे बी 31st of August। सो वेट टिल देन। सो गाइस, आज हम बात करेंगे इसी बुक के बारे में द हैप्पीनेस एडवांटेज। एंड इसका मैं यहाँ कॉन्टेंट दे रहा हूँ यार, चैप्टर्स तो मेरे को समझ में नहीं आए, तो मैंने जो फर्स्ट पार्ट है पॉजिटिव साइकोलॉजी एट वर्क, मैंने उसी पे ये पूरा वीडियो बनाया हुआ है। सो स्टे ट्यून्ड। हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे स्कूल्स और ये सोसाइटी हमें सलाह देती है कि हमको बहुत मेहनत करना है और एक कामयाब इंसान बनना है, सो दैट यू कैन ऑलवेज बी हैप्पी। हियर सक्सेस कम्स फर्स्ट एंड हैप्पीनेस सेकेंड। बट ये फॉर्मूला के साथ एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या पता है? ये फॉर्मूला एकदम ही बकवास है। 10 साल के एक बहुत ही तगड़ी रिसर्च के बाद ये पता चला, जो कि हुई थी पॉजिटिव साइकोलॉजी एंड न्यूरोसाइंस के फील्ड में, जिससे ये प्रूव हुआ कि ये जो रिलेशनशिप है सक्सेस और हैप्पीनेस के बीच में, ये जैसे हमारी सोसाइटी, हमारे पेरेंट्स बता रहे हैं ना, उससे एकदम उल्टा है। हैप्पीनेस एंड ऑप्टिमिज्म एक तरह से फ्यूल कर रहा है हमारी परफॉर्मेंस को और अचीवमेंट्स को, जो कि हमको देता है एक कॉम्पिटिटिव एज, जिसे ऑथर ने कहा है द हैप्पीनेस एडवांटेज। हमारे जो ऑथर है शॉन एंकर, वो टेक्सास के एक जगह से बिलोंग करते थे जिसका नाम था वाको, और वो वहीं के रहने वाले थे, और वहाँ रहते उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपना एप्लीकेशन दे दिया, जो कि अनएक्सपेक्टेडली एक्सेप्ट हो गया। एंड उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कम्प्लीट की। वो वहाँ पर 12 साल रहे, मतलब 12 साल का तो एजुकेशन नहीं था, बट उन्होंने एजुकेशन कम्प्लीट करके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रॉक्टर बने, जो कि एक ऑफिसर होते हैं वहाँ के शायद। सो वो प्रॉक्टर बने, और उन्होंने 16 डिफरेंट कोर्सेज वहाँ के बच्चों को सिखाया। अराउंड दैट टाइम जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बन रही थी, तब एक पोएट हुआ करते थे जॉन मिल्टन, जिन्होंने अपने एक पोएम पैराडाइज लॉस्ट में ये कहा दैट द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इन इट सेल्फ कैन मेक हेल आउट ऑफ हेवन और अ हेवन आउट ऑफ हेल। एंड लगभग 300 साल बाद जब वो पोएट जॉन मिल्टन ने ये कहा था, ये जो प्रिंसिपल बताया था, वो हमारे ऑथर के लाइफ में उतरा। सो हियर इज अ शॉर्ट स्टोरी। 2009 के इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद जो हमारे ऑथर है शॉन, वो एक स्पीकिंग टूर पर थे अफ्रीका में, और वहाँ पे उन्हें एक सीईओ मिलता है, अफ्रीकन सीईओ, जिनका नाम था सलीम। एंड सलीम उनको वहाँ पे एक जगह है जोहान्सबर्ग, उसके पास सोवेटो करके एक जगह है जो कि नेल्सन मंडेला का होम टाउन है। तो वो वहाँ पे जाते हैं, और वो वहाँ पे देखते हैं कि एक स्कूल वो विजिट करते हैं, और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। एंड जो शॉन है वो देखते हैं यार कि यहाँ पे ना इलेक्ट्रिसिटी है ये स्कूल में, ना पीने के लिए अच्छा पानी है, बच्चे पढ़ कैसे रहे। सो वो सामने गए बच्चों के, और उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि यार किन किन को ये जो स्कूल का काम है ये करने में मजा आता है, पढ़ाई करने में मजा आता है। एंड ही वॉज शॉक्ड कि 95% बच्चे दे रेज देयर हैंड्स एंड दे जेन्युइनली स्माइल कि यस वी लव्ड इट, हमको पसंद है ये काम करना। एंड वो बहुत शॉन जो है वो बहुत ज़्यादा शॉक में थे, एंड ही टर्न्स टूवर्ड सलीम, और वो सलीम को पूछते यार वाई दिस इज सो अनएक्सपेक्टेड कि यहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा खुश है स्कूल आके। सो सलीम बोलते हैं कि इट्स देयर प्रिविलेज कि वो उन्हें स्कूल में आके पढ़ने का मौका मिल रहा है, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स हैं उनको ये मौका कभी नहीं मिला। नाउ आफ्टर दिस स्पीकिंग टूर, हमारे जो ऑथर है शॉन, वो दे कम बैक टू अमेरिका, एंड उन्होंने हार्वर्ड वापस ज्वाइन किया। एंड देयर दे सी कि यहाँ पे जो बच्चे हार्वर्ड में, जो कि वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वहाँ के बच्चे दे आर नॉट फीलिंग एनी टाइप ऑफ प्रिविलेज of attending this university। वो खुश नहीं है, they are continuously complaining कि यार हमको पढ़ना नहीं है, हमको ये चीज़ में मज़ा नहीं आ रही है। एंड
Sean was in continuous shock that why this is happening. वहाँ पे बच्चे यार they are feeling privileged, वो एक छोटे से स्कूल में जा रहे हैं and here you are studying in Harvard, still you are complaining about that you don't want to study. Now 2004 में एक research हुई, एक survey हुआ जिसमें ये पता चला that of course वो Harvard में ही हुई थी and they found that 4 out of 5 people they are depressed at least once in their academic year. And half of all students, they are so depressed that they can't even function. And the second survey happened in January 2004, जिसमें उन्होंने पता लगाया that 45% workers ही सिर्फ happy है अपने job में, जो कि ये 22 साल के time interval में सबसे कम थे. And the third fact जो Sean को पता चला ऐसे ही किसी survey के दौरान, जो हमारा depression rate है 1960 से लेके अब तक 10 गुना बढ़ चुका है, 10 टाइम्स उसमें ग्रोथ दिखी है, जो कि कोई अच्छी चीज़ नहीं है. एंड जो थ्रेशोल्ड, जो एज थ्रेशोल्ड हुआ करता था अनहैप्पीनेस का, जो कि पहले 29.5 इयर्स था, वो आज के डेट में कम होकर 14.5 इयर्स का है. मतलब इसका मतलब ये है कि एक 14.5 साल का बच्चा भी अनहैप्पी है, वो भी डिप्रेस्ड है. ऑथर कहते हैं दैट इफ वी स्टडी मेरिली अबाउट वॉट इज एवरेज देन वी विल रिमेन मेरिली एन एवरेज. नाउ हियर इज अ स्कैटर प्लॉट डायग्राम एंड ये जो आप देख रहे हैं, ये एक जो डॉट्स जो दिख रहे हैं आपको, वो इंडिविजुअल्स को डिनोट करता है. एंड दिस इज द कन्वेंशनल वे जो हमारी सोसाइटी जो फार्मूला हमको बता रही है, दिस इज दैट फार्मूला. और जो आप ऊपर जो देख रहे हैं एक सिंगल इंडिविजुअल, वो है, उन्हें हम कहते हैं आउटलायर्स. अब क्या होता है ना, जो कन्वेंशनल साइकोलॉजी है, जो अब तक की जैसे जो चलते आ रही हुई साइकोलॉजी है, वो कहता है, वो ना कॉन्शियसली जानबूझकर ये जो इंडिविजुअल्स हैं इनको डिलीट करता है, इनको निगलेक्ट करता है. बट इंस्टेड हम इनको डिलीट करें, हमको इनसे सीखना चाहिए. अभी यहाँ पे फन फैक्ट क्या है पता है, हम सभी को पता है दैट हमको ये जो आउटलायर्स हैं इनसे सीखना चाहिए. बट यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है, वी आर टू फोकस्ड टूवर्ड्स नेगेटिव. आपको एग्जांपल चाहिए, आप अभी जाके टीवी ऑन कर लीजिए, कोई भी न्यूज़ चैनल, कोई भी रैंडम न्यूज़ चैनल, हाँ बिजनेस को छोड़ के कोई भी रैंडम न्यूज़ चैनल आप ओपन करके देखिए, आपको मर्डर्स के, एक्सीडेंट के, रेप्स के, अब्यूजेस के, और यही सारे नेगेटिव्स आपको मिलते रहेंगे. अब हम बहुत ज़्यादा फोकस है नेगेटिव के तरफ, बट हमको करना क्या है, देखो ये एक रियलिटी है कि अगर हमको ग्रेविटी सीखना है ना, तो हमको ज़रूरी नहीं है कि हमको उड़ना आना चाहिए. हम बिना उड़े भी, बिना हमारी बॉडी को फ्लोट किए भी, हम ग्रेविटी का पता लगा सकते हैं. व्हाट वी स्पेंड आवर टाइम एंड मेंटल एनर्जी फोकसिंग ऑन कैन इंडीड बिकेम आवर रियलिटी एंड इट कैन बिकेम आवर हार्श रियलिटी आल्सो. लिसनिंग टू पॉजिटिव आउटलायर्स. अब यहाँ पे ऑथर है जो शॉन है, वो कहते हैं कि यार वो जितना ज़्यादा ये जो पॉजिटिव साइकोलॉजी इसके बारे में स्टडी करते गए, जितना ज़्यादा इसमें डीप जाते गए ना, उतना ही उनका जो वहम था, उनका जो बिलीव्स थे कि फुलफिलमेंट्स के बारे में, पर्सनल प्रोफेशनल फुलफिलमेंट्स, हैप्पीनेस, सक्सेस, ये इसके बारे में जितने भी जो बिलीव्स उन्होंने बनाए थे ना, वो सारे टूटते चले गए. एक रियलिटी उनके सामने आई एंड उनको पता चला दैट ये जो आउटलायर थे, जो ये जो एवरेज कर्वे से ऊपर उठ चुके, इनके कुछ पैटर्न्स है, कुछ हैबिट्स है, जिसको पता करके ना सिर्फ हम इनके जैसा ऊपर उठ सकते हैं, बट पूरा जो एवरेज कर्व है इनको भी, पूरा एंटायर जो एवरेज कर्व है इसको भी कैसे उठाना है, वो भी हम पता लगा सकते हैं. सो फाइनली हियर आर द 7 प्रिंसिपल्स जिस पे ये पूरी बुक आधारित है, जिस पे ये पूरी बुक लिखी हुई है. मतलब अभी पूरा नहीं डिस्कस करने वाले, बस जो छोटे मोटे पॉइंट्स दिए इन्होंने वही हम इस वीडियो में करेंगे, और बाकी तो डिटेल में करेंगे ना आने वाली वीडियोज़ में. सो द फर्स्ट प्रिंसिपल इज द हैप्पीनेस एडवांटेज इटसेल्फ. एंड बेसिकली ये क्यों, ये प्रिंसिपल क्यों, क्योंकि जो पॉजिटिव ब्रेन्स है उनका कुछ एडवांटेज होता है ओवर द ब्रेन्स, द ओनली ब्रेन्स जो कि न्यूट्रल या फिर नेगेटिव होते हैं, उन पर कुछ ना कुछ एडवांटेज होता है. एंड ये जो प्रिंसिपल है ये हमको हेल्प करता है हमारा जो ब्रेन है उसको रिट्रेन करने में. दूसरा, जो पॉजिटिविटी उसको कैपिटलाइज करने में. एंड द मेन इज टू इम्प्रूव अवर प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस. द सेकेंड प्रिंसिपल इज द फल्क्रम एंड द लीवर. नाउ हमारी जो हम जैसे एक्सपीरियंस करते हैं इस वर्ल्ड को, और जो हमारी एबिलिटी है
इस वर्ल्ड में सक्सेसफुल होने की वो डिपेंड करता है और वो बेस है हमारे माइंडसेट पे, जो कि कॉन्स्टेंटली बहुत मूडी है ना, वो हमेशा चेंज होते रहता है। तो ये जो प्रिंसिपल है ना, ये हमको हेल्प करेगा कि हम कैसे जो हमारा माइंडसेट है उसको एडजस्ट करें, सो दैट अब जो ये हमारा माइंडसेट है ना वो हमारा फुल ग्रूम है। ओके, सो हम इसको कैसे एडजस्ट करें सो दैट इट गिव्स अस पावर, वो हमको पावर दे सो दैट वी कैन बिकम फुलफिल्ड, वी कैन बिकम सक्सेसफुल इन आवर लाइफ। द थर्ड प्रिंसिपल इज द टेट्रिस इफेक्ट। ना कई बार ये होता है ना कि हमारा जो ब्रेन है वो स्टक हो जाता है, वो फंस जाता है ऐसे पैटर्न्स में जो कि बहुत ज़्यादा फोकस है नेगेटिविटी की तरफ, स्ट्रेस की तरफ और फेलियर की तरफ, जो कि इवेंचुअली हमको फेलियर की तरफ ही लेके जाएगा। ना ये जो प्रिंसिपल है द टेट्रिस इफेक्ट, ये हमको हेल्प करता है रिट्रेन करने में हमारे ब्रेन को, और ऐसे जो पैटर्न्स है ऐसे पैटर्न्स को स्पॉट करने में जो पॉसिबिलिटीज़ की तरफ लेके जाते हैं, और जो अपॉर्चुनिटीज देखते साथ ग्रैप कर लेते, सीज कर लेते जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। द फोर्थ प्रिंसिपल इज फॉलिंग अप। कई बार ऐसा होता है कि हम बीच में फंस जाते हैं, स्ट्रेस के बीच में, डिफीट के बीच में, क्राइसिस के बीच में, एंड हमारा जो ब्रेन है हमको हेल्प करता है कुछ पाथवेज ढूंढने में सो दैट हम वहाँ से कोप अप कर सकें, हम वहाँ से बाहर आ सकें। एंड ये जो फॉलिंग अप जो प्रिंसिपल है ये इसी पे बेस्ड है कि हमको ऐसे पाथवेज, ऐसे मेंटल पाथवेज हमको ढूंढने जो कि हमको फेलियर एंड सफरिंग की तरफ ना ले जाते हुए हमको ये सिखाए कि हम कैसे एक अच्छी, एक हैप्पी लाइफ और एक ज़्यादा सक्सेसफुल लाइफ हम जी सकते हैं। हमारा फिफ्थ प्रिंसिपल है द जोरो सर्कल। अब कई बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज़, कोई चैलेंजेस करते करते कई बार थक जाते हैं, कई बार हार मान लेते हैं, और ये जो हमारा रैशनल ब्रेन है ना ये बहुत जल्दी हाईजैक हो जाता है इमोशन से ज़्यादातर। अब ये जो प्रिंसिपल है द जोरो सर्कल, ये हमको हेल्प करता है कि वही कंट्रोल रिगेन करने में। अब वो कैसे, वो पहले तो हमको फोकस करता है, करवाता है जो छोटे गोल्स है, जो मैनेजेबल गोल्स है, जो बहुत जल्दी अचीव हो जाएंगे ऐसे गोल्स पे, और फिर ग्रेजुअली वो गोल्स को बड़ा करना और बड़ा करना और वो गोल्स को अचीव करना। दैट इज द फिफ्थ प्रिंसिपल द जोरो सर्कल। हमारा जो सिक्स्थ प्रिंसिपल है वो है द 22nd रूल। कई बार ये जो लास्टिंग चेंजेस है ना, इसको सस्टेन कर पाना, इसको बरकरार रख पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और कई बार तो ये इम्पॉसिबल भी लगता है। जो हमारी विल पावर है ना वो लिमिटेड है और हम इसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम हमारे पाथवे से भटक जाते हैं और हम वही पुराने आदतें पकड़ लेते हैं, वही पुराने रास्ते पकड़ लेते हैं। अब ये जो हमारा सिक्स प्रिंसिपल है द 22nd रूल, ये हमको दिखाता है कि हम कैसे छोटे मोटे एनर्जी एडजस्टमेंट्स करके हम रीरूट कर सकते हैं हमारे पाथ को, और हमारे जो बैड हैबिट्स थे उसको चेंज कर सकते हैं विद द गुड वन। हमारा जो सेवेंथ प्रिंसिपल है, जो कि लास्ट प्रिंसिपल है इस बुक का, वो है सोशल इन्वेस्टमेंट। कई बार लोग रिश्ते तोड़ देते हैं जब भी कोई चैलेंजेस, जब भी कोई स्ट्रेस आया उनके ऊपर, तो कई बार रिश्ते टूट जाते हैं। सो ये जो प्रिंसिपल है ये हमको हेल्प करेगा कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारा एक जो बेस्ट, जो ग्रेटेस्ट प्रेडिक्टर है हमारे सक्सेस और एक्सीलेंस के लिए, हमारा सोशल सपोर्ट नेटवर्क, इसमें हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो ये हमको प्रिंसिपल सिखाने वाला है। सो ये थे वो सात प्रिंसिपल जो हमको इस बुक में आगे देखने मिलेंगे आगे के कुछ वीडियोस में, एंड वी विल डिस्कस दीज सेवन प्रिंसिपल्स इन अपकमिंग वीडियोस। बट आखिरकार ये हैप्पीनेस एडवांटेज है क्या? ये ना बहुत अलग जगह से शुरू होता है, और ये हमसे चाहता है कि हम हमारे प्रेजेंट के बारे में रियलिस्टिक रहे, और जो मीनवाइल हम अभी प्रेजेंट में ही हमारा जो फ्यूचर का जो पोटेंशियल है उसको मैक्सिमाइज करते रहे। इट इज़ अबाउट लर्निंग हाउ टू कल्टिवेट दैट माइंडसेट एंड द बिहेवियर दैट विल डेफिनेटली फ्यूल ग्रेटर सक्सेस एंड फुलफिलमेंट। इट इज़ लाइक अ वर्क थिंग। हैप्पीनेस में कोई बिलीव नहीं है जिसमें आप सोचिए कि यार मैं जैसा हूँ वैसे ही ठीक हूँ, मेरे को चेंज होने की क्या ज़रूरत है। हैप्पीनेस में एक रियलाइजेशन है दैट येस आई कैन चेंज एंड चेंज इज पॉसिबल। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दो, नहीं पसंद आई, अगर जेन्यूनली नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक करो। आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, बट प्लीज़ कमेंट में बता देना कि आपको वीडियो क्यों पसंद नहीं आई, सो दैट आई कैन इम्प्रूव इन माई अपकमिंग वीडियोज़। एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, मेरी ऐसी वीडियोज़ रोज़ आने वाली है थर्सडे एंड मंडे
बुक रिव्यूज एंड बाकी जो रिमेनिंग चार दिन है उसमें बुक समरीज, ऐसे ही बुक समरीज। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।